तो दोस्तों अभी गुड़िया जी आए हैं ना, तो लिपस्टिक सबसे पहले उतार लिए क्योंकि ये गांव है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम पूजा कर लिए और चीकू को ना चंदन लगा देते हैं, चंदन टीका। और देखिए चीकू हाथ जोड़ी हुई है, लाओ बेटा टीका लगाते हैं। चुके हैं और अब चलते हैं हम पूजा करने। बाद में देखिए अपने पायल को चमचमाएंगे यानी कि साफ करेंगे क्योंकि आदि जो है बोला जाता है उसे अभी धो रहे हैं। और ये देखिए क्या मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। और गुड़िया जी क्या बोलेंगे शिवरात्रि पे, गुड़िया जी बताएंगे। तो गुड़िया जी भी व्रत किए हुए हैं महाशिवरात्रि का, व्रत किए हुए हैं। और देखिए विराट, विराट मेरे को देख रहा है, जब भी हम बोल रहे हैं मेरे को देख रहा है। लो कैमरे में देखो विराट, हाय बोलो, हाय बोलो। तो दोस्तों कल दोस्तों नहाई खाई थी, हमारे यहाँ नहाई खाई बोलते हैं, तो कल नहाई खाई थे। और आज है जो कि पर्व है और इसे बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाए जाते हैं हमारे भारत में, और बिहार यूपी बिहार में बहुत ही अच्छे से मनाए जाते हैं। और पता नहीं कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, मेरे को पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अभी दोस्तों इस ब्लॉग को कर रहे हैं स्टार्ट। अभी मॉर्निंग का बज चुके हैं 8, और देखिए हमारे यहाँ हमारे आंगन में धूप आए हुए हैं, है ना। घर आ चुकी है मेरी प्यारी बेटी चीकू, आज स्नान करोगे चीकू? ये पहले ही कल ही कर ली थी चीकू और गुड़िया जी, और गुड़िया जी तो आज भी करेंगे। और चीकू रो रही है दुकान जाने के लिए, लो पैसा लो, चलो अभी हम दुकान से आएंगे। उसके बाद दोस्तों साबुन और भी क्या क्या लाना है गुड़िया जी, क्या लाना है बोलिए तो। खाना बनाने वाला सामान लेके आइए, हरा सब्जी। और आप तो आज नहीं खाएंगे, नहीं आती को खाना है और चीकू खाएंगे। हाँ। तो चलिए अभी हम जाते हैं शॉप से सामान कुछ खरीद करके। दोस्तों चीकू को लेकर जा रहे हैं दुकान, और ये बहुत ज्यादा जिद करती है दुकान जाने के लिए, कभी तुम पिटाओगे चीकू समझ जाना, ठीक है। अरे बोलो, कुछ बोलते काहे नहीं हो, बोलो। और ये देखिए हमारा इधर से देखने में घर कैसा लगता है, बहुत ही प्यारा मस्त। अभी आ चुके दुकान में और यहाँ के सब्जियाँ बहुत दिन के हो गया है सब्जी का ना, और ये सभी सब ऐसे है गांव। अभी दोस्तों दुकान से सामान लेकर के जा रहे हैं नची को, ले लिए ना और लोगे जी। गुड़िया जी आपका सामान आ गया, विराट विराट का सामान नहीं है क्योंकि विराट अभी कुछ बोलता ही नहीं है, है ना विराट? हाँ तुम बोलोगे ना तो तुम्हारे लिए भी सामान लेते आएंगे, जैसे चीकू का लाते हैं, चीकू तो साथ में जाती है, ये चीकू का ही बिस्किट है। विराट भी खाएगा, खाने लगा है ना, देखिएगा खिला करके हल्का हल्का खिला करके। और शैम्पू है, साबुन भी लिए हैं, और सब्जी के लिए सिम लाए हैं गुड़िया जी, देखिए देहाती सिम। तो हम सुबह सुबह नहा लेते हैं ताकि जाना है प्रसाद लाने के लिए, क्योंकि अब गुड़िया जी व्रत किए हुए हैं ना महाशिवरात्रि, तो नहा करके फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद जाएंगे प्रसाद लाने के लिए, है ना। तब तक आप खाना बना दीजिए मेरे लिए, ठीक है। फटाफट से दोस्तों टब को भरते हैं, थोड़ा नहाएंगे। अभी देखिए कितना ज़्यादा पानी देता है यहाँ पे दोस्तों, साबुन और शैम्पू। और ये खाना बनाएंगे इधर से, खाना चघा हुआ कि सब्जी, और उसके बाद जाते हैं यहाँ करके। तो ये रहा दोस्तों सिम, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या बोलते हैं इसको, निकाल के दिखाइए ना गुड़िया जी। ये देखिए दोस्तों इसे बोलते हैं सिम, ये दोस्तों गांव का सिम है। और ये 10 रुपये केजी मिले हैं, 10 रुपये केजी नहीं, 20 रुपये केजी। हाँ आधा केजी लिए हैं, पाव भर लिए, इतना कौन खाएगा। तो फटाफट से बनाइए, हम नहा लेते हैं ना। अभी दोस्तों नहा करके हम फ्रेश हो चुके हैं, और गुड़िया जी यहाँ पे सब्जी चढ़ाए हुए हैं। भूख लगा हुआ है क्या? भूख लगा हुआ है दोस्तों, लेकिन फिर भी मतलब सहते हैं, मतलब महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा कष्ट करते हैं, ये चीज़ तो मेरे को पता हो गया है, पहले नहीं पता उतना था, बट बहुत ज़्यादा कष्ट करके अपनी ज़िंदगी को मतलब कैसे जीते हैं, मतलब मेरे को अब बिल्कुल समझ में आता है। हर चीज़ में महिलाओं को ही मतलब ज़्यादा मतलब जो दर्द भरा जो रहता है ना, वही फेस करना पड़ता है। हम लोग को तो क्या है, कमाना खाना है, थोड़ा सा केयर करना, यही सब है ना। और अभी देखिए खाना बन जाएंगे, और खाना खा कर जाइए, प्रसाद लेकर आइए। बेचारी को बोली भी सही से नहीं निकल पा रहे हैं गुड़िया जी को, क्योंकि भूख लगा हुआ ना। और मतलब कल खाएंगे ना खाना, कल ही ना। तो दोस्तों पूरी तरह से खाना बना करके रेडी कर दिए गुड़िया जी, और उसके बाद में देखिए अपने पायल को चमचमाएंगे यानी कि साफ करेंगे, क्योंकि आज पहने हैं ना इसलिए। और बहुत लोगों का महिलाएं का जो होते हैं वो गहने बहुत मायने रखते हैं कुछ देखे चाहे ना, लेकिन सबसे पहले कोई भी इंसान देखेंगे कि गहना क्या क्या पहने हुए हैं अगला इंसान, यही ज़्यादा देखते हैं ना गुड़िया जी।
औरत हाँ। औरत को देखते हैं हाँ। कि कौन कौन से गहना पहने हुए हैं। ये गुड़िया जी की कमाई, गुड़िया जी जब फर्स्ट डिवीजन पास किए थे तो सरकार की तरफ से जो पैसे मिले थे उससे खरीदे गए हुए पायल, तो अभी चमचमाएंगे, लीजिए बढ़िया से एकदम नया कर दीजिए तो गुड़िया जी बहुत फ्रेश से। इस पानी को पहले हम गर्म कर दिए और इसमें सरफ डालेंगे थोड़ा सा। और ये सही तरीका है ना बताइएगा, बहुत लोग हैं जो कि गलत तरीके से काम निकल रहे होंगे तो खराब ना हो जाए, है ना। तो इसमें डाल देंगे और इसके बाद ले जाकर इसमें और चाय पत्ती डालेंगे। चाय पत्ती डालिएगा हाँ, चाय पत्ती डालकर और आग पर रख देंगे। अच्छा खोल जाएंगे तो बस उसके बाद साफ करेंगे तो सही हो जाएगा। हाँ, जैसे में बहुत लोग जो कि होते हैं सुनार लोग वो लोग करते हैं उस तरह से ना। हाँ तो इसमें चाय पत्ती डालेंगे उसके बाद आग में ले जाकर रख देंगे, खोल जाएंगे तो उसके बाद साफ करेंगे तो एक बार में ही साफ हो जाएगा। डाल रहे हैं गुड़िया जी हाँ, देखिए और देखते हैं कैसा चमकता है या नहीं, हम देख लेंगे। हम एक बार और साफ किए हैं, चमक जाते हैं हाँ। चढ़ाइए अब चूल्हे पर चढ़ाएंगे और थोड़ा हीट हो जाएंगे उसके बाद देखते हैं क्या रंग आते हैं इसका। दोस्तों गुड़िया जी सो रहे हैं विराट को लेकर के, तब तक दोस्तों हम चले जाते हैं मार्केट, जो जो लाना है बताइए क्या क्या लाना है। चूड़ी लेते आइएगा, चूड़ी और बिंदी हाँ। सिंदूर ले लीजिएगा और क्या, बिंदी सिंदूर और बिछिया हाँ। ये सब सामान है जो कि लाने, और कुछ और प्रसादी ले लीजिएगा और प्रसाद। तो चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं मार्केट और खरीद करके लाते हैं, तब तक आप पायल साफ कर लीजिएगा, सोना नहीं है। ओके ठीक, विराट अभी सो गया है, दे दो विराट। तो झोला ले लिए हैं कि न्यू ले लेंगे, वहीं से फिंचा हुआ है हाँ, कल धो दिए थे इसलिए धो दिए हैं, तो ले लेते हैं इसी को, बाय बाय। अभी दोस्तों आ चुके हैं मार्केट, यहीं से दोस्तों गुड़िया जी के लिए कुछ चूड़ी खरीदते हैं, पिछिया खरीदते हैं और भी कुछ सामान है वहीं से हम खरीद लेते हैं, उसके बाद दोस्तों चले चलेंगे घर। और ये है दोस्तों मेरी मामा जी की बाइक, इसी से थोड़ा चले आते हैं ताकि जल्दी से जल्दी काम हो पाए, वो फ्री थे तो इसलिए उनसे बाइक मांग लिए और बोले कि जल्दी आना, फिर मेरे को भी जाना है, तो अभी हम यहाँ से खरीद लेते हैं उसके बाद जाएंगे घर। ये है दोस्तों यहाँ का सिंगार दुकान, यहीं से ले जाते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस दुकान में, बस इतना ही कुछ ही थोड़ा बहुत रखते हैं। अभी दोस्तों गुड़िया जी का सामान लेकर चले आए हैं मार्केट से, और गुड़िया जी इधर देखिए बर्तन धो रहे हैं, और आज सामान लेने में बहुत ज़्यादा लेट लगे क्योंकि महिला के जो सामान होते हैं ना वो मतलब पता नहीं क्यों लेट लगते हैं, लोग खरीदने में क्यों इतना ज़्यादा लेट लगाते हैं। एक एक महिलाएं हैं वो कम से कम आधा से एक घंटा लगा रहे थे खरीदने में, और ऐसे में मेरे को भी वहाँ पे टाइम देना पड़ा कम से कम एक घंटा, उसके बाद जाकर के लिए हैं, और अभी मतलब इनको पसंद आता है या नहीं, चलते हैं रूम में उसके बाद देखेंगे। अभी ये जो कि बर्तन धो लेंगे उसके बाद देख लीजिएगा, है ना कैसा कैसा लाए हैं। विराट अंदर में सो रहा है अभी हाँ गुड़िया जी, अभी चलते हैं, अभी रखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हाथ को धोएंगे दोस्तों। गुड़िया जी देखेंगे कि क्या क्या लाए हैं और कितना बड़ा बड़ा साइज का है या छोटा है, या इनको पसंद आता है कि नहीं, पसंद आता है कि नहीं। ऐसे तो अब कोई पूजा करते हैं तो यही सामान ला कर देते हैं, तो देखते हैं आज क्या लाए हैं। तो प्रसाद है, प्रसाद है क्योंकि गांव है ना, गांव का थोड़ा सा छोटा मोटा बाजार है तो वहाँ पे बचा खुचा था वही लेकर चले हैं प्रसाद। और इसमें है आपकी श्रृंगार के सामान जो मंगवाए थे, और ये क्या है, इसे है। और प्रसाद नहीं लाए, नहीं खत्म हो गया था सारा, लास्ट में गए थे तो कुछ चलते नहीं था। लीजिए ये श्रृंगार की सामान है जो आप सभी को दिखाएंगे कैसा है, खोल लेते हैं। ये रुमाल है जो कर ले जाइएगा ना पूरा ढक करके, ये क्लिप ऐसा वाला है, रंग बिरंग वाला नहीं था। बिंदी बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि भाभी जी आप बिंदी लगा करके ब्लॉग बनाया किसे, सिंदूर सिंदूर कि आज मेहंदी लेकर आए थे, कल लेकर आते तो अच्छा लगा, आज भी लगाएंगे तो उग जाएंगे या पूजा करने के समय हो गए तो अब कब लगाएंगे। ओ और इसमें लेट हो गया एक घंटा वहीं पे हो गया, वाव इतना बड़ा बड़ा चूड़ी, बड़ा है
बहुत बड़ा है, 12 नहीं है, बहुत बड़ा है। कितना आता है? 2 या 2.25? 2.25 है। इतना छोटा छोटा आटा करता है, देखिए कितना बड़ा बड़ा। देखिए ना आटा करके। नहीं होगा तो हम देख नहीं रहे हैं। तो न्यू है और नहीं तो फिर आना पड़ेगा। नहीं तो ये पहन लीजिए, दोनों वही है, एक ही कलर का है। हम आप देखते नहीं है मेरा हाथ वाला? देखे हैं, मतलब वो वाला नहीं था, वो सब वाला खराब खराब था, तो इसीलिए हम ये ले लिए कि थोड़ा बड़ा रहेगा तो चलेगा। इस चलते 12 नहीं, बहुत बड़ा है। गांव का बाजार है, यहाँ पे लोकल है, अच्छा अच्छा चूड़ी रखवे नहीं कर रहे थे, क्या करिए, अब मेरी गलती है, इसमें छोटा साइज में था ही नहीं ऐसा वाला में कनवाली। बहुत ज्यादा भीड़ था भाई, एकदम तो रोपड़ी में ऐसा जा करके लाए हैं, और क्या है, हलता रहा है, बिछिया है। पसंद नहीं आए होंगे, चूड़ी पसंद नहीं आए हैं इनको, ये थोड़ा बड़ा बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, नहीं था छोटा वाला। अभी दोस्तों गुड़िया जी को थोड़ा हेल्प कर देते हैं, क्योंकि कपड़ा वाश कर रहे हैं और उसके बाद नहाना है ना इनको, तो कल हम चला देंगे, उसके बाद ये स्नान कर लेंगे। जल्दी जल्दी करा हो, जाइए बाप पूजा करें। क्या मेरे को हंसी नहीं भर रहा गुड़िया जी? हंसी की बात क्या है भाई, आप भूखे हुए तो मेरे को हंसी भरेगा, बताइए, नहीं भर रहा है मेरे को, बोलते तो हम भी भूखे रह जाते हैं। तो हमारी चीकू बेटी है जो कि रेडी हो चुकी है, ये भी बोल रही है कि हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे पूजा करने, हिंदी ली हुई है, बोल रही है कि अभी खोल दीजिए, अभी हमें लगाना है, अभी लगाना है, बाद में लगाना चीकू, पूजा करके बाद में लगाना बेटा, बाद में लगाना, अभी नहीं हो पाएगा। अभी नहीं हो पाएगा बेटा, बाद में लगा देंगे, बाद में लगा लेना, मम्मी लगा देंगे। गुड़िया जी खोल करके दे दिए हैं और ये सारा निकाल देगी, निकाल के दिखाओ, कपड़ा खराब कर लेगी, देखो ऐसे लगता है बेटे, लगा दीजिए, लाओ लाओ ऐसे निकालो तो तुम्हारा मुंह पर लगा दे। तुम्हारा मुंह पर लगा दे, हाथ पर लगाया जाता है जी, तुम जानती हो, हाथ पर लगाया जाता है उसको, लगाओ तो तुम अपने से लगाओ, मुंह में लगाया जाता है, मुंह में लगाया जाता है, लगाओ मुंह में। चीकू को इतना बेवकूफ मत समझिए कि ये मुंह में लगा लेगी, बहुत चालाक है, मुंह में लगा ले, बहुत चालाक है बेटी, फेस में लगाया, क्योंकि आप लगा लो, क्या आप लगा लो, मुंह में लगा लो। गुड़िया जी हो गए हैं रेडी, और ये देखिए सिंपल तरीके से रेडी हो गए हैं, और अभी देखिए यहाँ पे फल फुलहरी जो है बोला जाता है उसे अभी धो रहे हैं, और ये देखिए क्या क्या धोकर थाली में सजा रहे हैं, क्या क्या लाए हैं, ये लाए हैं कि किन्हीं से मंगवाए हैं, मंगवाए हैं किन्हीं से, हाँ हमारी सिस्टर जो लगती है ना उनसे मंगवाए हैं गुड़िया जी, और देखिए इसे अब अच्छे से सजा देंगे, और हमें लिए मतलब कितना ये मेरे लिए किए थे रिक्वेस्ट, आए गुड़िया जी भगवान शिव से मेरे लिए रिक्वेस्ट किए थे। क्या कहते हाँ, जिस समय दोस्तों हम लोग बातचीत कर रहे थे उस समय से गुड़िया जी किए थे, शिवरात्रि करने गए थे ना, तो भगवान जी से रिक्वेस्ट किए थे हाँ, कि हमें उन्हीं के साथ जिंदगी बिताने हैं, है ना, शंकर भगवान जी हैं, वो मेरे बात सुन लिए, सच में वो बात सच हो गया, और आज आपके साथ हैं। भगवान जी को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलते हैं ना, बोले बाबा बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं भगवान जी को। अभी दोस्तों हम पूरी तरह से रेडी हो गए, और यहाँ पे सारा प्रसादी भी सरिया लिए देखिए, और इसे ढक भी दिए, और लोटा में पानी देखिए, जितना जो लेना था वो ले लिए है ना प्रसाद में, ऐसे तो और ज्यादा रहते हैं, भांग धतूरा सब रहते हैं ना, भांग धतूरा थे, धतूरा है पर भांग नहीं है, तो जो था वही लेकर के गुड़िया जी जा रहे हैं पूजा करने के लिए, और मेरे साथ चीकू भी जा रही है, चीकू तुम भी जा रही हो ना, चीकू भी जिद कर रही थी, तो हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, और अब चलते हैं हम पूजा करने। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं पूजा करने के लिए, और देखिए हम पूजा कर रहे हैं, और जो सामान लगते हैं वही हम चढ़ा रहे हैं प्रसाद में,
तो देखिए और यहाँ का सब महिला हैं और लड़कियाँ हैं जो पूजा कर रहे हैं मेरे साथ, तो हम भी कर रहे हैं। तो देखिए कैसे यहाँ पूजा करते हैं। और ये शिवलिंग दोस्तों, हम मामा जी के यहाँ रहते हैं, वहाँ का शिवलिंग है। तो देखिए कैसे हैं। ये पूजा करने के बाद हम आ गए, देखिए कहाँ बज रहे हैं, बली जी के पास पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग पहले भोलेनाथ जी का पूजा कर रहे थे, उसके बाद आ रहे हैं बजरंग बली को पूजा करने। तो हम भी आए साथ में, और ये देखिए मेरी मौसी की लड़की है। तो देखिए अभी चलते हैं तो फटाफट से पूजा कर लेते हैं। और देखिए बजरंग बली जी यहाँ के कैसे हैं। और यहाँ पे देखिए चीकू को, इधर टाको चीकू, कैसा लग रहा है तुम्हें? नहीं बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों हम अभी फटाफट से पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो मंदिर में प्रवेश कर दिए, और देखिए बजरंग बली जी को, और यहाँ पे देखिए करते हैं पूजा। देखिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बस। दोस्तों हम पूजा कर लिए, और चीकू को ना चंदन लगा देते हैं, चंदन टीका। और देखिए चीकू हाथ जोड़ी हुई है, लाओ बेटा टीका लगाते हैं तुम्हें। तुम गोर लगी, चलो। अभी दोस्तों गुड़िया जी पूजा करके चले हैं मंदिर से, और साथ में चीकू भी है ना। चीकू मजा आया पूजा करके? पूजा कर रही थी तुम? कैसी पूजा कर रही थी चीकू? गाना बज रहा था क्या जी? गाना बज रहे थे। तो फाइनली पूजा करके चले आए, और पूजा करके कैसा लगा? पिछले बार पूजा किए थे अच्छा। तो अपने घर पे किए थे, मेरे यहाँ, यानी कि मेरे यहाँ किए थे गुड़िया जी अपने घर पे। और चीकू भी उस समय नहीं गई थी, बट फर्स्ट टाइम चीकू। क्या हुआ चीकू, ऐसे क्या कर रही हो? अभी दोस्तों हम लोग कपड़ा उतार लेते हैं यहाँ से, क्योंकि शाम का समय हो चुका है ना, बहुत ज्यादा टाइम हो चुके हैं, तो एक एक करके उतार लेते हैं। और बहुत ज्यादा आज गुड़िया हैंडसम लग रहे हैं, मतलब स्मार्ट लग रहे हैं, दिख रहे हैं, है ना, बहुत क्यूट दिख रहे हैं गुड़िया जी। और चीकू, चीकू तो गुड़िया जी से भी ज्यादा है ना चीकू, बहुत ज्यादा पड़ी लग रही है चीकू। विराट सोया हुआ है अभी। तो दोस्तों अभी गुड़िया जी आए हैं ना, तो लिपस्टिक सबसे पहले उतार लिए, क्योंकि ये गांव है, आप लोग देख सकते हैं, और गांव में ये सब चीज को ज्यादा ये नहीं मतलब किया जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। कपड़े को लेकर के, और चीकू आ जाओ, तुम भी आ जाओ बेटा, देखो विराट क्या कर रहा है अभी, आप सभी को दिखाते हैं कि विराट अभी क्या कर रहा है। विराट देखिए अभी मस्त सोया हुआ है। दोस्तों बेर डूब रहे हैं, तो गुड़िया जी समझाओ, दिखा दे रहे हैं सारे आंगन में, और जो ये किचन है उसमें, और इसमें अभी लाइट नहीं जले, जला देते हैं। हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का हो जाता है, देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए कोई भी आदमी इंसान नहीं रहते हैं इधर। होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।